गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय व्लॉग। आज संडे है तो आज संडे के दिन मुझे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, अब पूरा डे मैं आपके साथ मेरे काम शेयर करूँगा। ओके, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ घर पर गाँव में रहकर, बोलते हैं हमारे चैनल का जैसे नाम है विलेज बॉयज व्लॉग्स, सो आपको विलेज की जो भी काम है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, कोई भी अच्छी प्लेसेस होंगी वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आ गए तो वापस नहीं जाना। यहाँ पे आपको हर टाइप की वीडियो मिलेंगे, फनी एंड आल्सो अच्छी अच्छी प्लेसेस एंड विलेज वर्कर्स भी काम करते हैं, काफ़ी सिटी वाले लोग भी उनको भी पता कि विलेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम करते हैं विलेजर्स, उनकी रूटीन क्या है, सब बट नॉट एवरी वन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो नाउ आई स्टार्ट टू माई वर्क। तो मैं अभी 6 बजे उठ चुका हूँ, 5:30 बजे में तकरीबन उठता हूँ और अभी मैं अपनी बहन से उनको क्लास दे दूँ। थिंक एंड ग्रो विच काफ़ी बहुत अच्छी बुक है, मैं 3री दफ़ा ये बुक पढ़ रहा हूँ। इसमें मैंने पहले 1-2 दफ़ा रीडिंग कर ली है, सिंपली मैंने फॉर्मूले रीडिंग की थी, लेकिन अभी जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे उनको अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको अब शॉर्ट हैंड में पढ़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है, इनका रेफरेंस मैं कभी शेयर करूँगा आपके साथ, और बहुत ही मतलब कि नॉलेजफुल है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ओके व्हाट यू हैव टू डू टोटली इट विल से, आपको तकरीबन काफ़ी नॉलेज होगी इस बुक से अगर कोई पढ़ना चाहे। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत ही प्यारी बुक है। गाइस, तो फाइनली मैंने अपनी भैंसें थी और बकरियां थी उनको घास डाल दी है। ओके, सुबह सुबह मम्मा चाय वगैरह बना रही होती है, सुबह का काम कर रही होती है, तो मैं उनके ऐसे घास डाल दिया करता हूँ उसके भैंसों को और बकरियों को। ओके, अभी हमें चाय पीनी, चाय बन चुकी है गाइस, तो अब चाय पी लेते हैं, मम्मा ने चाय बना दी है, मैंने अपना काम कर लिया, अभी चाय पी के फिर निकलेंगे घास लेने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो घास भी ले लिया जाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो आज संडे का दिन देखते हैं मेरा कैसा जाता है, पूरा संडे का दिन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी की सेलिब्रेशन ये चल रही है, सो क्रिकेट वगैरह हम खेलने जाते नहीं क्योंकि क्रिकेट खेलते थे वो भी टाइम था, अभी क्रिकेट खेलना छोड़ दिया बिल्कुल। ओके गाइस, अगर चाय पिए तो आपको सलाह, ठीक है चाय पी लीजिएगा। मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग शुरू कर देता हूँ क्योंकि अभी वीडियो भी अपलोड करनी होती है, उसके बाद न्यू वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। टाइम कितना हुआ है पहले टाइम चेक कर लें, 7:30 अपलोड करनी, अभी 6 बजे है, अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर बैटरी चार्ज नहीं होती या कोई इश्यू होता है तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली जो वीडियो अपलोड होंगी मॉर्निंग में ही होंगी, 7 बजे 7:30 8 बजे, अगर इंटरनेट का कोई इशू होगा तो वहाँ पे मे बी थोड़ा लेट हो पाए, लेकिन मॉर्निंग में जो भी वीडियो अपलोड होगी मॉर्निंग में की जाएगी। तो चाय पियोगे सुबह सुबह का, जो नाश्ता वगैरह हमारे गांव में नहीं होता, गांव का यही रूल होता है कि सुबह सिर्फ चाय पी और चले गए, सिटी में यही सिस्टम होता है कि सुबह उठ के नाश्ता करना फिर काम पर जाना होता है, गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ चाय बन गई पी के कोई अपने खेती बाड़ी के काम पे चले जाते हैं, कोई काम पे चले जाते हैं, कोई कहीं कहीं होता है वो सुबह में एक रोटी खा के या नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो नहीं होता गाँव में।
तो ये मेरे भाई की बेटी है पूजा, जिसे मैं गाँव लेने गया था, और ये अभी पढ़ने नहीं जाती है। उसको मैंने बोला था बेटा पढ़ लो, कुछ ना कुछ सीख जाओगे, लेकिन ये बोलती मुझे नहीं पढ़ना। पहले शौक से पढ़ती थी, मैं एडमिशन लेने गया, बस मुझे स्कूल जाना है स्कूल जाना, रोज़ाना तंग करती थी। एडमिशन ली, दो दिन गए, भाई अंकल अब मैं नहीं जा रही, पता नहीं क्या हुआ। तो अब देखते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, खुद ही चली जाएगी पढ़ने के लिए। और आने वाले व्लॉग्स में ट्राई करता हूँ कि इसे भी मेरे साथ लिया करूँगा। ओके, ये दिस इज़ माय क्यूटी। तो गाइस, घास लेने के लिए भी जो ये चीज़ें यूज़ की जाती है, एक ये है, इसको बोलते हैं रंबी, ये छोटे वाली जो नज़र आ रही, और इसको बोलते हैं डाटा उर्दू में। ओके, इससे घास काटी जाती है, जैसे कि हम क्रिकेट बैट से खेलते हैं और वेपन से हम फायर करते हैं, या उस हिसाब से घास लेने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है। ये जो भी हम लेके जा रहे हैं गाँव में मोस्टली यूज़ की जाती है। सो आई होप ये सिटी वाले लोगों के लिए न्यू होता है। देन एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जो आई होप आपने काफ़ी इन्हें देखी भी होगी, मूवीज़ में वगैरह शो की जाती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप क्या लेने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या है? ये आप जा रहे हैं खेत में जा रहे हैं भाई। फिर वहाँ पे क्या करोगे खेत में? बुटी करेंगे। और ये कौन सी चीज़ें आपके खुले में पड़ी? उतार के दिखाओ, उतार के दिखाओ। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कई कई क्या? ऑर्डर। तो ये अभी ये फार्मर है, अभी अपनी बन्नी में जा रहे हैं काम के लिए। सो ओके, जा पापा। तो गाइस, ये थे विलेज के लोग, वो अपने खेत पे जा रहे थे काम के लिए, तो मैंने सोचा इनसे कुछ पूछ लूँ, उनको कुछ ज़्यादा ही पता है, ये रेगुलर काम करते रहते हैं। वो जो आपको दिखाया था उसको बोलते कोडर, वो उर्दू उतनी खास बोलनी नहीं आती, बहरहाल उन्होंने ट्राई की, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो खेती बाड़ी करने वाले हमारे गाँव से, ये जा रहे हैं अपने काम पे। सो गाइस, आई होप दिस इज़ अ नेचुरल ब्यूटी, यू विल बी एंजॉय। ओके, ये हम अभी गार्डन तो नहीं है, फील्ड में निकल चुके हैं, घास लेने जा रहे हैं विथ एंजॉयमेंट। यू ऑल्सो विल एंजॉय इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, यू विल गेट रेगुलर न्यू अपडेट, न्यू वीडियोज डेली बेसिस पे आपको न्यू वीडियोज मिलेंगी मेरे चैनल पे, और आई होप आप बहुत इंजॉय करोगे। अगर फॉरेन कंट्री, क्योंकि हर कंट्री की एक अलग अलग रिपोर्टेशन होती है, एटमॉस्फेयर होता है, उसी हिसाब से ये है विलेज लाइफ रूटीन। ठीक है, विलेज लाइफ, विलेज बॉयज ब्लॉगर, तो हम विलेज की जो भी, हेलो जयराम इधर चलो। तो यहाँ पे जो डेली रूटीन है, जो भी काम है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कोई अच्छी खूबसूरत जगह पे हम घूमने जाते हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ ये छोटे भाई आ रहे हैं, जो बाइक मैकेनिक है, लेकिन सुबह सुबह वो चले जाते हैं, तो उनको हम सबको ड्यूटी मिली है कि सुबह उठ के साढ़े पाँच बजे मैं उठता हूँ, 6:30 बजे ये उठते हैं, तो उन मम्मा ने ड्यूटी दे दी है कि सुबह सवेरे उठ के तुम एक बारी घास की करने जाओगे, फिर काम पे जाओगे। तो चलो ठीक है, तो ये उनको मैं काम कराने के लिए ले जा रहा हूँ, घास लेनी है, देन घास करके जाएंगे बाइक के काम पे, बाइक मैकेनिक के। तो गाइस, फाइनली हमने घास ले लिया है, और आपको मैंने एक फार्मर को दिखाया जो दवाई लगा रहे थे, वो गार्डन फील्ड है, उसे दवाई लगा रहे थे, क्योंकि उसको मर्ज लग जाता है, तो वो स्प्रे करते हैं इसे। अब हमने भी घास ले लिया, अभी घर जाने की तैयारी है, अब मुझे घास उठा के घर जाना पड़ेगा। और जेरा वाले जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा के वो फ्रेश होके शॉप पर जाएंगे। तो
गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, काफी घर पे कुछ काम है, मम्मी कर रही है। चलो गाइस, तो फाइनली मैं व्लॉग अपलोड हो चुका है। जो मैंने पहली दफ़ा में कार्टन निकाले गया था, तो वो व्लॉग मैंने अभी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब मम्मा ने खाना बना लिया है, मैं खाना खा के फिर यहाँ पे पट्टी लगानी है, मुझे पट्टी लगाने का काम है। आज संडे छुट्टी है, तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ। मम्मा ने खाना बना लिया, तो पूजा मेरे लिए खाना ला चुकी है। मम्मा ने आज ओनियन की सब्ज़ी बनाई है, खाना लेके आ गई है। ओके, तो पूजा सबको यहाँ पे। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना मैंने तो अब मुझे अपनी भेड़ बकरियाँ या भैंस से कुछ हमें बांधना और पानी पिलाना है, फिर दूसरे एक काम पे लगता हूँ, जो मट्टी लगानी है मेरे स्टूडियो में। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज सोचा मट्टी पड़ी है काफ़ी दिनों से, उसको मैं आज लगा लूँ। मम्मा तो अपने काम में बिजी है, तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, फिर वो काम करता हूँ, पहले अपनी भैंसों को पानी पिला लूँ। गाइस, तो फाइनली अभी मैं मट्टी लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये यहाँ से ये ट्राली है मट्टी की, भर के यहाँ पे मैं अंदर लेके जाऊँगा और ये मुझे लगानी है अंदर। सो अभी मैं ये शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई रिकॉर्डिंग के लिए है नहीं, सो मैं अकेला ये मैनेज कर रहा हूँ। सो अभी मैं मट्टी लगाना शुरू करता हूँ, फिर करते हैं। गाइस, तो फाइनली मैंने मिट्टी लगाने का काम था, वो घर पे जो मिट्टी लगानी थी वो मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। अभी जाना है पानी भरने के लिए। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने मिट्टी लगाई कैसे लगाई है। मम्मा ने माशाल्लाह सर काफ़ी कुछ काम सिखाया हुआ है, घर का काम जो भी होता है हम कर लेते हैं अगर मम्मा बिजी होती है तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। थैंक्स मॉम, वो टीच मी मैनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। तो मैंने ये एक काम किया था आज, अभी जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं मेरे पीछे पराडू तैयार है, पानी भरने जाना है अभी गधा गाड़ी पे, बकरी और भैंसों के लिए पानी भरने जाना है, क्योंकि बाहर पानी इतना अच्छा नहीं है तो भरने जाना पड़ता है। तो अभी जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, चलते हैं। कल मैं भी अब फ्रेश हो गया हूँ, मेरी हालत देखो, मट्टी लगाई है तो उस वजह से फ्रेश नहीं हुआ। अभी मैंने मट्टी लगा ली, सारा काम कर लिया है, अब मैं भी फ्रेश हो गया हूँ और पानी भर जाता हूँ। गाइस, फाइनली मैं पानी भर के आ गया हूँ अपनी भैंसों के लिए। अब पानी भर के तो आ गया, लेकिन पापा ने एक और काम दे दिया, वो मैं करने जा रहा हूँ। आ जाओ अभी, वो काम करने चलता हूँ। मैं सेवरी लेने जा रहा हूँ, पापा ने देखी कि पानी से सेवरी ली थी, कुछ लकड़ी है तो मैं लेने जा रहा हूँ पराठों में। तो अभी मैं गधा गाड़ी में जा रहा हूँ सेवरी लेने। पापा ने काम दिया है तो करना पड़ेगा। मैंने अभी जो रूम में पानी लगाई है, बड़े भाई से कुछ लकड़ियाँ लिए, तो अभी मुझे लेने जाने पड़ेंगे। गाइस, तो ये आखिरी काम रह गया है अभी, बाकी लास्ट काम करके फिर सुबह। अभी तक अभी 11:30 बज रहे हैं, सुबह से 5:30 से उठा हुआ हूँ, काम में लगा हुआ हूँ, इतने काम थे। आज संडे की छुट्टी मना रहा हूँ, ये हमारी छुट्टी संडे में यही होती है। रेगुलर में काम करता रहता हूँ, यही पानी भरने जाना, और मट्टी तो कभी कभी होती है तो लगानी पड़ती है। मम्मा बिजी होती है, अक्सर करके मम्मा लगा देती है। मेरे साथ पूजा भी है, मैं और पूजा जाने जा रहे हैं वो लकड़ियाँ लेने के लिए, पापा ने। और आज का वीडियो काफ़ी बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे मैंने रूटीन शो की, अभी तो 11 बजे बज रहे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, जो भी और काम होंगे। बहरहाल जो मेन काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं, अभी ये आखिरी काम रहता है। अभी मुझे थकान नहीं हुई है कि मैं थक गया हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपका साथ देना चाहिए, आप अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये दिन भी ज़्यादातर नहीं रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट चाहिए, हम ऐसे नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस हौसला अफजाई करते रहो कि बहुत अच्छी वीडियो है। बस इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, अगर आपका प्यार हमें मिलेगा तो हमें बस और कुछ भी नहीं चाहिए। लगाई है इसमें, क्या लगा होगा, प्याज लगाएंगे। अभी ये इसमें प्याज लगाएंगे, कद्दू का सीज़न ख़त्म हो गया क्या? अभी इसका सीज़न ख़त्म ही है, इसका रेट गिर गया है, उस वजह से अभी ये ओनियन लगाएंगे, क्योंकि
ओनियन का रेड होते हैं ना, ओनियन का रेड भी रेड होता है भाई। अगर लग जाए ना तो बंदा नीचे होता है, एकदम से ऊपर हो जाता है। ऐसे नहीं, रेड के हवाले से अगर अच्छा रेड मिल जाता है ना तो माला माल हो जाते हैं। तो ये बेचारे अभी ये एक फील्ड ख़त्म कर चुके हैं, अभी ये दूसरी फील्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे ये बेलें है ना उसे काट रहे, और ये बराबर में मिर्ची लगी है अभी उनकी। तो काफ़ी मज़ा है। उसने अपने चैनल का नाम विलेज बॉयज ब्लॉग क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हम विलेजर हैं उसी वजह से। द वर्किंग ऑफ द डे, आज का मेरा दिन बहुत ही मज़ेदार जा रहा है, घूमने में आप लोगों के साथ मज़े लेने में। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो भी काम मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे साथ हेलो क्वीन इधर, तो मेरे साथ पूजा भी है, पूजा भी आई हुई है। पूजा की हालत बहुत गंदी लग रही है देखो। तो गाइस यहाँ पे मिर्ची भी लगी हुई है, आप घोट की मिर्ची नाम सुना होगा। यहाँ पे एक सारी की सारी अभी खड़ी हुई है, लेकिन एक में मिर्ची ज़्यादा से ज़्यादा लगी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, इसमें एक में मिर्ची लगी हुई है, बाकी किसी में भी नहीं लगी हुई है। वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट। ठीक है, ये क्वालिटी है। तो ये एक और कोई और बीज आ गया तो उस वजह से इसमें मिर्ची लग गई है, और बाकी में अभी तक नहीं लगी हुई है। ये जेके के बाइक की मिर्ची लगी हुई है, इसका भी रेट बहुत हाई होता है। जब कौन सी क्वालिटी है ये और दूसरी ये? तो ये दो क्वालिटी की मिर्ची लगी है, ये वैक्सी है, वैक्सी। तो भाई ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सी है जिसमें मिर्ची लग गई है, और ये फार्मी है, फार्मी में अभी फूल ही लगी हैं लेकिन मिर्ची नहीं लगी है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, अभी मेरा काम तो बड़ा हुआ है। बहरहाल ये मिर्ची आप देख लें फिलहाल। गाइस, तो फाइनली हमने सारे काम ख़त्म कर लिए। यहाँ से लकड़ियाँ उन्हें उठानी थी, वो लकड़ियाँ उठा के लेके आ गए, और हमने थोड़ा विजिट भी कर लिया, यहाँ फील्ड आपको घुमा दिया, फील्ड भी दिखा दिया, काम भी बता दिए। अब हम निकलते हैं, मैं और पूजा अपने पराड़ों में घर पे जाके मिलते हैं। तब तक के लिए बोला पूजा के, बोलो बाय बाय। मज़ा आ गया, हमारे पराठो ड्राइवर इतने खतरनाक है, लोग बराबर वैसे गुजरते हैं ना, उसको भी नहीं छोड़ता। गाइस, तो फाइनली मैं अब घर पहुंच चुका हूं। सारे काम मैंने, जो भी आज मेरी संडे की छुट्टी थी, तो छुट्टी में जो भी काम किए मैंने आपके साथ शेयर किए, जो भी मैंने वर्क किया सुबह से उठ के, जो भी काम कर रहा था। और वीडियो काफ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, ये मेरा डेली रूटीन और मेमोरेबल वीडियो है, क्योंकि मैंने कभी डेली रूटीन अपनी रिकॉर्ड नहीं किया। जो भी काम किया हुआ मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड किया हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ आपको फील्ड्स दिखाई, घूमने भी गया, जहाँ भी जो भी काम किया, विलेज लाइफ में काम करना चाहिए वो काम मैं सारे कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए काफ़ी इतना। अब मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।